ले देख। ये तो बाज है, तुम बजाना जानते हो हजूर साहब? हाँ जानता हूँ। गाना भी जानते हो? हे पगली। हाँ गाना भी जानता हूँ। लच्छू अगर मैं हजूर साहब से कहूँ गाओ तो ये कोई बुरी बात है? कोई बुरी बात नहीं, तुम कहोगी तो हम गा भी देंगे। अच्छा मैं तारा बीना को बुला लाती। अच्छा ए तारा बीना, अरे आओ हजूर साहब गाना गाएंगे। आओ बैठो। सुना नहीं क्या कह रहे हजूर साहब? तू बैठ जा। तुम भी बैठ जाओ। बैठ जाओ, तू गाना नहीं सुनाएगी हजूर साहब? अच्छा तो क्या गाऊं बोल। जो सबसे अच्छा लगता है तुम्हें। ए, तुम नहीं, आप कहती है हजूर साहब को। कहानी नहीं गाना। सुन तो सही रानी, कहानी की कहानी है और गाने का गाना। सुनो 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 एक नई कहानी, सुनो सुनो एक नई कहानी, सुनो सुनो। एक थी रूप नगर की रानी, रानी की मखमूर जवानी, मतवाली भरपूर जवानी, अपने आप से थी बेगानी। सुनो 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 एक नई कहानी, सुनो सुनो। उस रानी का रूप महल था झील किनारे, जिसके जल में झांक रहे थे चांद सितारे। दूध से उजला शहद से मीठा, दूध से उजला शहद से मीठा था उस झील का पानी। सुनो 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 एक नई कहानी, सुनो सुनो। एक दिन एक प्यासा शहजादा उसी झील पर आया, उसी झील पर आया। उसने जल दर्पण में देखी रूप रानी की छाया, रूप रानी की छाया। उस छाया को लेने लपका, उस छाया को लेने लपका, डूब गया शहजादा। सुना है जल को चिता समझकर कूद पड़ी थी रानी। हो गई खत्म कहानी।